यूनाइटेड स्टेट की लास वेगास में दुनिया की सबसे बड़ा गोलाकार इमारत बनाया गया। ये बाहर से देखने में जितना खूबसूरत लगता है उससे भी कहीं ज्यादा दिलचस्प इसका अंतर बनाया गया। एमएसजी स्पेयर प्रोजेक्ट ऐसा आकर्षण बन गया कि पहले दिन ही लाइट शो देखने के लिए स्पेयर की आसपास 60,000 लोग इकट्ठा हो गई थी। लास वेगास को दुनिया की मनोरंजन और म्यूजिक की राजधानी माना जाता है। यहाँ की कैसिनो और रिजॉर्ट पूरा दुनिया में सबसे ज्यादा फेमस है। इस एमएसजी स्पेयर को भी मनोरंजन के लिए बनाया गया। इस गुंबद के अंदर म्यूजिक शो, एबर्ट शो और बड़ी बड़ी इवेंट होस्ट की जाएगी। इस साल 4 जुलाई पहली बार स्पेयर की लाइट शो प्रदर्शन किया। 1.2 मिलियन एलईडी पहली बार जली। स्पेयर की शानदार प्रदर्शन देख के लोग अचंभित होने लगे। पूरी लास वेगास में स्पेयर ने पहले लाइट शो से एक पहचान बना ली। 56,000 वर्ग मीटर दुनिया की सबसे बड़ा एलईडी स्क्रीन है। इतना बड़ा स्क्रीन सिर्फ एक मैकबुक से कंट्रोल किया जा सकता है। इस स्क्रीन में कोई भी वीडियो, कोई भी तस्वीर चलाया जा सकती है, जैसे कि चंद्रमा, बास्केटबॉल, इंसान की आंख या कोई भी एडवर्टीजमेंट किया जा सकेगी। इस एमएसजी स्पेयर की हाइट 100 मीटर और लेंथ 150 मीटर। अभी ये दुनिया की सबसे बड़ा गोलाकार इमारत है। इससे पहले स्वीडन में एबीसी एरिसा थी। स्पेयर प्रोजेक्ट को तैयार करने में अनुमानित खर्च हुआ $2.3 बिलियन और अभी ये लास वेगास में सबसे महंगा मनोरंजन स्थल बन चुका। इतना बड़ा गोलाकार इमारत बनाना भी आसान नहीं था। इसे बनाने के लिए बहुत ही चैलेंज का सामना करना पड़ा था, लेकिन अभी हम उसमें नहीं जाएंगे। बस इतना जान लो कि गुंबद के ऊपर एक स्टील का रिंग सेट करना था। सिर्फ उस रिंग का वेट थी 60 टन से भी ज्यादा। इस रिंग को उठाने के लिए बेल्जियम से दुनिया की सबसे बड़ी क्रेन ले आया गया था। एक क्रेन ही इतना बड़ा था कि इसे ले आने के लिए दूसरा क्रेन की जरूरत पड़ी थी। इस प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ था 2019 में और ये बनके तैयार हुआ 2023 में। इस साल 29 सितंबर इस स्पेयर की अंदर शो चालू की जाएगी। इसका अंदर 18,000 सीट है और 15,000 वर्ग मीटर दुनिया की सबसे बड़ा इंडोर स्क्रीन है। इस स्क्रीन में 2K 4K वीडियो नहीं बल्कि 18K वीडियो प्ले की जाएगी। इसके साथ साथ एडवांस ऑडियो टेक्निक भी यूज की जाएगी। इस गुंबद के अंदर 1,60,000 स्पीकर है। इस हॉल में कोई आगे बैठे या पीछे बैठे सबको सेम आवाजें सुनाई देगी। इसके साथ साथ कई भाषा एक साथ चलाने की भी सुविधा मिलेगी। हो सकती है आपकी बगल में जो बैठी है वो स्पेनिश में सुन रही है और आप इंग्लिश में सुन रही हो। इस हॉल के ओनर की कहना है कि हेडसेट के बिना हेडसेट साउंड होगी। और बात यहाँ पे ही खत्म नहीं, वीडियो ऑडियो के साथ साथ हैप्टिक टेक्निक भी यूज की जाएगी। दर्शकों को स्क्रीन की अनुभव को रियल में अनुभव कराने के लिए पानी का सीट, हवा और गंध भी स्क्रीन में चल रही है वीडियो के साथ अनुभव कर पाएगी। इस हॉल की एक अध्यक्ष की कहना है कि विजुअल को इतना रियलिस्टिक बनाने में सक्षम होगी कि दर्शकों को लगेगा कि वो हर चीज स्क्रीन पे नहीं बल्कि रियल में देख रही है। लेकिन ये सब कुछ अब तक बिल्कुल नया टेक्निक है। 18K वीडियो के लिए दुनिया की सबसे पावरफुल कैमरे की जरूरत पड़ेगी। फिर वीडियो रिकॉर्ड करना, उसे विजुअल बनाना, पूरा एक प्रोडक्शन टीम की जरूरत पड़ेगी। नया म्यूजिक और वीडियो के लिए अलग से कंपनी के साथ कॉन्टैक्ट करना पड़ेगी। तो समय ही बताएगी कि ये प्रोजेक्ट कितना ज्यादा सफल होगी, क्योंकि लास वेगास में पहले से ही मनोरंजन स्थान की कोई कमी नहीं है। इसलिए स्पेयर को अलग दिखाने के लिए इतना यूनिक बनाया गया। वही इस इमारत की कई विवाद आलोचना भी हुई है। अति चमकदार रोशनी की वजह से गुंबद की चारों तरफ कार चलाने में दिक्कत हो रही है। उसके साथ साथ बहुत ही ज्यादा लाइट प्रदूषण भी हो रही है। ये सब के बावजूद एक बात तो ये भी है कि लास वेगास की 70 में ये एक इंजीनियरिंग चमत्कार है जिसे दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा होगा। इस प्रोजेक्ट की ओनर लास वेगास, लंदन के साथ साथ और भी कई जगह पर ऐसा प्रोजेक्ट बना रही है। आज की वीडियो इतना ही। वीडियो को भरपूर लाइक एंड शेयर करना। चैनल में पहली बार आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले एक शानदार वीडियो में।